खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं अनुश्री, आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। आइए ले चलते हैं आपको देश विदेश की बड़ी खबरों की ओर। अफगानिस्तान में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, इसके बाद चारों तरफ बर्बादी और तबाही का ही आलम दिखाई दिया। अफगानिस्तान के एक अधिकारी के मुताबिक इस भूकंप में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं 1500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी सूचना आ रही है। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के कारण सैकड़ों घर भी तबाह हो चुके हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खोस्त शहर के करीब 44 किलोमीटर दूर था और 51 किलोमीटर की गहराई में था। ये भूकंप इतना तेज था कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के लाहौर, मुल्तान, क्वेटा में भी लोगों को झटके महसूस हुए। इसके अलावा भारत में भी झटके महसूस किए जाने की खबर है। इससे पहले मंगलवार देर रात पाकिस्तान में भी भूकंप झटके महसूस किए गए। यहाँ रात 2:24 पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। राहत की बात यह है कि पाकिस्तान में आए भूकंप में किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इसके अलावा देर रात मलेशिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता यहां 5.1 रही। भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना। धरती के भीतर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जब प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती है तो वहां फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहां दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। इन प्लेट्स के टूटने के अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है और हमें भूकंप का महसूस।